हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइव वेरी गुड साइंस ऑफ हेल्दी फीटस। मींस आपका बेबी वोम में हेल्दी है या नहीं, क्योंकि देखो हम चाहते हैं चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही हेल्दी हो और किसी को भी मिसकैरेज से या अबॉर्शन से गुजरना ना पड़े। इसके लिए अगर आप छोटे छोटे से साइंस को इग्नोर करोगे तो हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए और आपको थोड़ा सा सफर करना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं आपको बिल्कुल भी सफर ना करना पड़े और आपका बेबी हेल्दी हो और आप एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को और बाद में अपने बेबी के साथ अपनी लाइफ को। तो देखिए, जो हेल्दी फीटस के साइंस होते हैं उसमें वेरी फर्स्ट साइन होता है किकिंग। बेबी अगर हेल्दी है तो वो आपका फोर्थ मंथ के एंड में या फिफ्थ मंथ के बिगनिंग में किकिंग स्टार्ट कर देता है, और जब बेबी किक करता है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट किक को तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हो। और मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स उसको डायरी में नोट करके रखते हैं कि हमारी बेबी ने या हमारे बेबी ने कब पहली बार किक किया था। फिर धीरे धीरे सिक्स्थ मंथ में बेबी रेस्पॉन्ड करने लगता है, मींस अगर आप आवाज लगाओ तो भी वो किक करता है। सिमिलरली वो लाइट को, और एट्थ मंथ तक आते हुए वो पेन को भी रेस्पॉन्ड करता है। अगर आपको कहीं पेन है तो बेबी किकिंग स्टार्ट कर देता है, और नाइन्थ मंथ तक आते आते उसकी किकिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज वो जो मूवमेंट कर रहा था स्पेस में, अब बेबी हेल्दी है, उसका साइज बड़ा हो गया है, उसको स्पेस की थोड़ी सी कमी होती है, तो वो उतनी फास्ट किकिंग नहीं कर सकता। तो ये एक पहला साइन होता है आपके हेल्दी फिटस का, हेल्दी बेबी का। दूसरा साइन होता है ग्रोथ। एक्चुअली फिफ्थ मंथ से बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसे आप नोटिस कर पाते हैं, और ऑलमोस्ट 2 इंच पर मंथ बेबी ग्रो करता है। तो जब बेबी नाइन्थ मंथ तक आता है तो ऑलमोस्ट वो 16 to 18 इंच लॉन्ग होता है, मीन्स बेबी की जो पूरी लंबाई है वो 18 इंच के आसपास होती है। तो आप अगर रेगुलर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे बेबी की हाइट या उसकी लेंथ कितनी है। आपको इससे भी पता लगता है कि पर मंथ वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस आपका बेबी काफी हेल्दी है, साथ में ही वेट गेन। एक्चुअली फोर्थ मंथ तक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वेट ज्यादा नहीं होता। कुछ केसेस में तो फर्स्ट 3 मंथ में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप देखते हैं वेट उल्टा कम हो जाता है, क्योंकि आप वैसे ही बहुत तरह से अपने हार्मोन लेवल को सेट करने के लिए कई बार वोमिटिंग के कारण बहुत परेशान से थोड़े से रहते हैं, तो इसीलिए वेट गेन आप अच्छे से नहीं खा पाते, तो आपका जो वेट है वो इंक्रीज होने की जगह शुरू में कम भी हो जाता है, लेकिन थर्ड मंथ के बाद वो धीरे धीरे गेन होना शुरू होता है। और फोर्थ मंथ में अगर 500 ग्राम इंक्रीज हुआ है तो उसके बाद धीरे धीरे 600 ग्राम 700 ग्राम पर मंथ आपके वेट में इंक्रीज होता है, आप वेट गेन करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपका बेबी ग्रो कर रहा है। तो आप साथ साथ घर पे ही चेक कर सकते हैं, छोटा सा काम है अपना वेट लेना। तो अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है इट मींस आपका बेबी हेल्दी है। और इसके साथ ही जो फोर्थ इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है, हार्ट बीट। एक्चुअली जब बेबी बहुत छोटा सा होता है, फर्स्ट मंथ जब उसका आपके कंसीव करने के बाद जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें भी अगर डॉक्टर चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटोग्राम से बेबी की छोटी सी हार्ट बीट को नोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली फोर्थ मंथ से हार्ट बीट आसानी से रिकॉर्ड की जा सकती है किसी भी अल्ट्रासाउंड से। और एक हेल्दी बेबी के लिए आप देखेंगे 100 से 170 तक
हार्ट बीट होती है जो कि मिनट टू मिनट चेंज होती रहती है, और जैसे जैसे आप एक्टिव रहते हैं आपका बेबी भी एक्टिव रहता है और उसकी हार्ट बीट उतनी ही अच्छी रहती है। तो हार्ट बीट के लिए यू हैव टू डिपेंड ऑन डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड। और कुछ डॉक्टर्स तो इतने स्मार्ट होते हैं कि आपके पेट के ऊपर हाथ रख के भी वो बेबी की पल्स रेट देख लेते हैं कि हाँ बेबी की पल्स रेट सही चल रही है या नहीं, और वो आपको भी एक्सपर्ट बना देते हैं अगर आप कुछ खुद इंटरेस्ट लेके सीखना चाहें तो। और इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में पोजीशनिंग। बेबी कई बार प्रेगनेंसी में पोजीशंस चेंज करता है, कभी लेफ्ट साइड पे उसका हेड होता है कभी राइट साइड पे हेड होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड ज्यादा करवट लेके सोते हैं या आप स्ट्रेट सोते हैं। लेकिन जो ध्यान देने की बात है वो क्या कि लास्ट मंथ मींस नाइन्थ मंथ में बेबी का हेड डाउनवर्ड होना चाहिए। बेबी धीरे धीरे अपनी पोजीशन इस तरह से लाता है कि जो हेड है वो डाउनवर्ड हो, और डिलीवरी के टाइम हेड सबसे पहले बाहर डिलीवर हो। और अगर इसका रिवर्स है तो डॉक्टर्स कई बार कोशिश भी करते हैं हेड डाउन करने की, बिकॉज इस तरह की डिलीवरी बहुत कन्वीनियंट और आसान होती है। और जब रिवर्स होता है यानी कि पहले लेग्स की डिलीवरी होती है तो समटाइम बेबी के हेड को बाहर लाने के लिए डॉक्टर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेडी को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, और कई बार ऐसे केसेस में सिजेरियन के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि लास्ट मंथ तक आप देखें कि बेबी का हेड डाउनवर्ड हो। उसका आपको खुद भी फील हो सकता है कि आपको लोअर एब्डोमेन पे काफी हैवीनेस होगी और हैवीनेस फील होगी, और आपको चलने में थोड़ा सा उठने बैठने में भी सोने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि आपका बेबी हेल्दी बेबी होने जा रहा है। तो ये थे कुछ अच्छे साइन जिनसे देख के आप पहचान सकते हैं कि आपका बेबी फीटस हेल्दी है या नहीं है, और आप बच सकते हैं अपने मिसकैरेज से। बहुत बार इन छोटे छोटे साइन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो बाद में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अलर्ट रहें, हैप्पी प्रेगनेंसी, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।